हाय फ्रेंड, चलिए हम थाल पोस बनाएंगे। पहले चेन कर ले रहे हैं हम, एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन करके हम इसे राउंड कर ले रहे हैं। राउंड करने के बाद से हम एक दो तीन, तीन चेन कर लेंगे, एक फंदे लेंगे। अब इसमें हम पफ बनाएंगे ऐसे, एक दो तीन चार एक पाँच, फिर यहाँ से एक, अब उसके बाद से एक दो, दो चेन कर लेंगे, फिर फंदे लेंगे, फिर सेम होल में ही हम एक दो तीन चार पाँच, फिर यहाँ से ऐसा हम पूरा इसमें सिक्स बना ले रहे हैं। देखिए चारों तरफ से सिक्स बना लिए हैं हम। सिक्स बना के लाके यहाँ हम जॉइंट कर ले रहे हैं इसमें, ये चेन में, इसमें पॉप के ऊपर चेन बना है, इसमें अब ऐसे लगा के हम जॉइंट कर लेंगे। अब इसे हम कट कर ले रहे हैं। इसके बाद से हम वाइट कलर लगाएंगे इसे गाँठे लगा के। जो चेन बनाए हैं हम बीच में दो दो, उसमें अब बनाना है हमें, यहाँ पहले बांध लेते हैं, उसके बाद एक दो तीन, तीन चेन करेंगे, फंदे लेंगे। अब यहाँ पर भी हम पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार एक पाँच, फाइव ऐसे कर लेंगे। अब इसमें से ऐसे निकाल लेंगे, फिर एक दो, दो चेन करेंगे, फिर सेम होल में ही हम फिर से एक और बनाएंगे, एक दो तीन चार एक पाँच, फिर इसे ऐसे निकाल के बांध लेंगे। उसके बाद फिर एक दो, दो चेन करेंगे, फिर फंदे लेंगे। अब फिर इसके बगल वाला ये चेन है, अब इसमें बना लेंगे दो, ऐसे ही पूरे हैं जितने चेन बनाए हैं पूरे में हम बना ले रहे हैं ऐसा दो दो। ये पूरा बनने के बाद से फिर ये चेन किए हैं, अब इसमें हम जॉइंट करके अब कट कर लेंगे इसे। फिर बनने के बाद से अब हम फिर रेड कलर लगाएंगे गाँठे लगा के। ये चेन किए हैं, इसमें फिर हम ऐसे बांध ले रहे हैं। उसके बाद एक दो, दो चेन कर लेंगे, एक फंदे लेंगे। यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, एक में हम चार डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चार, चार ऐसे बनाने के बाद से फिर हम डायरेक्ट फिर इसमें भी हम चार बनाएंगे। अब हम पूरा जितना ये है इसमें सारे में हम चार चार बना लेंगे पूरा डबल क्रोशिया ऐसे। हम राउंड में ऐसे पूरा पूरे बना ले रहे हैं फोर फोर, एक में चारों तरफ से बना के लाके हम इसमें जॉइंट कर ले रहे हैं। उसके बाद से फिर एक दो, दो चेन करेंगे, फिर हम बनाना चालू करेंगे। यहाँ पे हम इसमें एक एक, ये दो हो गया। उसके बगल में फिर हम एक बनाएंगे, फिर उसके बगल में एक बनाएंगे, हम तीन जगह ऐसे एक बना लेते हैं। इसके बाद वाले में चौथी जगह पर हम दो बनाएंगे इसमें, एक सेम होल में ही एक और बनाएंगे दो ऐसे। फिर उसके बाद से फिर तीन जगह एक एक ऐसे बना लेते हैं डबल क्रोशिया ऐसे, दो एक तीन ऐसे, तीन जगह ऐसे बना लेंगे एक एक। फिर उसके बाद चौथी जगह फिर हम एक और एक में और एक ऐसे दो, तो ऐसे हम राउंड में पूरा बना ले रहे हैं। फिर तीन ऐसे बना लेंगे सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया, उसके बाद से चौथे जगह पे फिर दो डबल क्रोशिया एक होल में ही ऐसे बना लेंगे हम पूरा राउंड में बना ले रहे हैं ऐसा। देखिए चारों तरफ से हम ये राउंड में बना लिए हैं, अब इसे हम यहाँ जॉइंट कर ले रहे हैं। जॉइंट करने के बाद से हम एक दो तीन, तीन चेन करेंगे, इसमें एक दो, दो डबल क्रोशिया छोड़ के हम तीसरे होल में ऐसे जॉइंट कर लेंगे ऐसे डायरेक्ट। फिर एक दो तीन, तीन चेन करेंगे, और फिर एक दो, ये दो छोड़ के तीसरे में ऐसे जॉइंट कर लेंगे
फिर से एक दो तीन चेन करेंगे और फिर ये दो छोड़ेंगे, फिर यहाँ ज्वाइंट करेंगे हम पूरा राउंड में, पूरा हम ऐसे पूरा हम बना ले रहे हैं ऐसे चेन। ये पूरा हम डबल क्रोशिया जो लास्ट में बनाए हैं ये पूरा 60 हुआ है मेरा, तो इसे दो दो छोड़ के बनाएंगे तो ये 30 होगा चेन, तो हम पूरा बना ले रहे हैं चारों तरफ से ऐसे बना के चेन। उसके बाद हम यहाँ ज्वाइंट करके इसे कट कर लेंगे, जो पहला चेन बनाए हैं उसमें ऐसे जो ज्वाइंट कर लेंगे। अब इसे हम कट कर ले रहे हैं पूरा चेन बनाने के बाद से अब हम इसमें वाइट कलर फिर यूज करेंगे। तो कहीं से भी फिर चालू करते हैं हम, एक दो फिर एक फंदे लेंगे, फिर इसमें ऐसे एक में चार डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, फिर इसके बगल में फिर बनाएंगे हम एक दो तीन एंड चार, एक होल में चार डबल क्रोशिया में बनाना है। तो हम पहले इधर 6 होल में बना ले रहे हैं, ये देखिए 6 चेन में हम पूरा बना चुके हैं ये 6 जगह। उसके बाद हम एक दो दो चेन करेंगे, फिर उसके बाद फिर 6 जगह ऐसे ही सिंगल डबल क्रोशिया हम पूरा बनाते जाएंगे ऐसे। एक होल में हम 4 बनाएंगे डबल क्रोशिया ऐसे सिंगल फंदे लेते हुए हम ऐसे। ऐसे फिर 6 ऐसा बना लेंगे, फिर दो चेन ये इधर करेंगे, फिर 6 बनाएंगे, फिर दो चेन करेंगे, ऐसे हम पूरा राउंड में बना ले रहे हैं। चारों तरफ से ऐसे बनाने के बाद से दो चेन कर लिए हैं। अब ये किए छोड़ के फर्स्ट वाला यहाँ हम ज्वाइंट करेंगे ऐसे, फिर एक दो। अब हमें ऐसे सिंगल सिंगल सब में बनाना है ऐसे, हम पूरे यहाँ तक बना ले रहे हैं। पहले देखिए हम यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरे पे सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया हम बना लिए हैं, और यहाँ इधर चेन दिए हैं उसके पहले वाले में ऐसे हम पहले बना लेंगे ऐसे। उसके बाद से हम एक दो तीन तीन चेन करेंगे, ऐसे घूम जाएंगे बैक साइड, बैक साइड घूम के हम फिर यहाँ से ये छोड़ देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पूरा हम फिर यहाँ तक पूरे यहाँ तक बना ले रहे हैं सिंगल डबल क्रोशिया पूरा एक एक में ऐसे हम पूरे यहाँ तक बना के फिर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा हम बना लिए हैं, ये लास्ट अब छोड़ दिए हैं ये है। उसके बाद फिर एक दो तीन तीन चेन करेंगे, फिर सीधा साइड घूम जाएंगे हम। अब ऐसे ही हम फिर ये छोड़ देंगे इसमें का फर्स्ट वाला, उसके बगल में ऐसे बनाना चालू करते हैं हम। घटते क्रम में बनाएंगे अब हम पूरा, ऊपर तक हम ऐसे घटाते बनाते जा रहे हैं, हम बना के आगे दिखाते हैं। देखिए हम यहाँ से डाउन करते करते इधर तक बना लिए हैं। यहाँ बनाने के बाद से हम फिर तीन चेन किए हैं, तीन चेन करके अब हम फिर जिस पे चेन किए हैं वो छोड़ेंगे, और ये ऐसे दो छूट जाएगा जिस पे चेन किए हैं वो छोड़ देते हैं। आइए ऐसे ही पूरा पे छोड़े हैं, जो चेन किए हैं जिस पे वो छोड़ दिए हैं, उसके बगल वाला छोड़ दिए हैं, उसके बाद बनाना स्टार्ट किए हैं। तो हम यहाँ पे ये दोनों छूट जाएगा, अब यहाँ पे बनाएंगे हम ऐसे ऐसे फिर यहाँ बनाएंगे। इस साइड चेन है इसलिए ये भी छूट जाएगा इधर। उसके बाद फिर एक दो तीन तीन चेन करेंगे, फिर सीधा साइड करेंगे, और ये चेन जो किए हैं हम इधर इस पे ऐसे बांध लेंगे, बांध के अब कट कर ले रहे हैं हम। देखिए अब ऐसे ही पूरा ये हमारा 5 बनेगा इस पे, एक ये हुआ एक ये दो तीन चार 5 पूरा 5 बनेगा इस पे। सेम इस पे ऐसे ही बनेगा। अगर आपको ना समझ आए हो तो एक बार और हम दिखा दे रहे हैं। पहले हम यहाँ से बना लेते हैं ये चेन जो बनाए हैं इसके बगल वाले से, ये छोड़ के फर्स्ट वाला यहाँ से स्टार्ट किए, एक दो दो चेन करेंगे,
फिर उस पर एक फंदे लेंगे और यहाँ फिर बनाएंगे ऐसे पूरे में एक एक बनाएंगे डबल क्रोशिया हम ऐसे। यहाँ तक पहले हम बना ले रहे हैं, ये पूरा छः पर पूरा बना ले रहे हैं यहाँ तक। बनाते समय ये याद रखिएगा इसके बीच में भी हम एक बना रहे हैं, ये पूरे पर बना रहे हैं हम। और ये दोनों जैसे ये चार इधर बनाए चार इधर बनाए, बीच में गैप है, यहाँ भी हम ऐसे एक बना ले रहे हैं डबल क्रोशिया, तो हम पूरे पे ऐसे बना रहे हैं। ऐसे यहाँ लास्ट तक बनाएंगे, यहाँ एक पहले ऐसे बन गया। अब उसके बाद से हम फिर एक दो तीन तीन चेन करेंगे, जिसके ऊपर चेन बनाए हैं वो छोड़ेंगे, उसके बगल वाला ये भी छोड़ देंगे, ये छोड़ेंगे उसके बगल वाला ये भी छोड़ देंगे। ओके तो ऐसे घूम जा रहे हैं हम, चेन वाला भी छोड़ेंगे, ये ऐसे ही बनाना है पूरा हमें ऐसे। अब इधर से बनाते पूरा हम, यहाँ तक पूरा बना ले रहे हैं, फिर एक बार और दिखा दे रहे हैं। पूरा यहाँ से यहाँ तक बनाने के बाद फिर से इस पर एक दो तीन चेन करेंगे और फिर सीधा साइड ऐसे घूम जाएंगे। अब फिर जिस पे चेन बनाए हैं वो और ये दोनों छोड़ेंगे, फिर यहाँ से बनाएंगे हम ऐसे ऐसे ही ये पूरे पे बनते जाएगा लास्ट तक, जैसे हम लास्ट में दिखाए हैं ऐसे ही ये पूरे पे बनाए हैं हम ये। ऐसे जिस पे चेन बनाए हैं वो और उसके बगल वाला छोड़ के फिर बनाए हैं, पूरे पे ऐसे ही बनाए जिस पे चेन बनाए हैं वो और उसके बगल वाला ये दो छोड़ दिए हैं तब बनाए हैं, ऐसे ही घटाते गए हैं ये बनते गए हैं। वैसे ही पूरा पूरा हम पाँचों ऐसा बना ले रहे हैं, फिर आगे का डिजाइन दिखाते हैं हम। देखिए ये पूरा हम बना चुके हैं, अब इस पर हम डिजाइन बनाएंगे। अब उसके बाद से यहाँ पे अब हम रेड कलर से बनाएंगे फिर से, आठे लगा के कहीं से भी ये ऊपर से जहाँ हम चेन किए हैं यहाँ से चालू करना है हमें। ये ऊपर वाला जो चेन किए हैं हम इसमें पहले बांध लेंगे और उसके बाद से हम एक दो दो चेन करेंगे। अब यहाँ पफ बनाएंगे हम, दो तीन चार एंड पाँच, फाइव टाइम ऐसे करके हम इसे बांध लेते हैं। उसके बाद से फिर एक चेन कर लेंगे, फिर इसी में सेम होल में ही फिर से बनाएंगे, एक दो तीन चार एक पाँच, फिर बांध लेंगे, फिर से एक चेन करेंगे, फिर सेम होल में ही फिर बनाएंगे हम, एक दो तीन चार एंड पाँच, तीन हुआ। और फिर इसमें बना ले रहे हैं हम, एक दो तीन चार एंड पाँच, फिर फाइव टाइम करके फिर बांध लेंगे। बीच में एक एक चेन करेंगे हम, फोर हुआ, एक और बना लेते हैं ऐसे, एक दो तीन चार एंड पाँच, फाइव टाइम फाइव पफ इसमें बना लिए। ओके अब उसके बाद से हम फिर यहाँ पर भी पफ बनाएंगे, ऐसे खींचेंगे धागे को, इसी में हम ऐसे बनाएंगे, दो तीन चार एक पाँच ऐसे। अब उसके बाद इसे बांध लेते हैं। अब इसके बाद से हम यहाँ से ये जो बनाए हैं चेन इसमें ले जाके ऐसे बांधेंगे, फिर इसमें पफ बनाएंगे हम, एक दो
तीन चार एक पाँच, फिर इसे बांध लेंगे। और जो बनाते समय जो चेन बनाए हैं हम उसमें हमें बांधना है इसे, तो ऐसे बांध लेते हैं हम ऐसे ही। फिर यहाँ तक बना ले रहे हैं, उसके बाद दिखा रहे हैं इधर से बना के। अब यहाँ पाँच करके ये बीच में जो चेन बनाए थे इस पे अब हम ऐसे बांध लेते हैं। अब यहाँ पर फिर हम पफ बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच, फिर इसे बांध लेंगे। अब इधर बनाने के बाद से फिर हम यहाँ पे जो चेन किए हैं इसमें बांधना है हमें, यहाँ बांध लेते हैं ऐसे। फिर इसी में फिर पफ बना लेंगे हम, जो हम इसमें बांधेंगे उसी में हमें पफ बनाना होगा। फाई फाई का बना रहे हैं पूरा, फिर ऐसे बना लेंगे, फिर यहाँ बांधेंगे। हम यहाँ तक बना ले रहे हैं पहले, इधर से पूरा बना के आने के बाद से फिर फंदे लेंगे और इसमें फिर से हम पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार एक पाँच, ऐसे करके हम इसे बांध लेंगे ऐसे। फिर एक चेन करेंगे, फिर इसमें हम जैसे यहाँ बनाए थे फाई, ऐसे फाई यहाँ बना लेंगे। इस पर फाई बना लिए पफ, उसके बाद फिर सेम ऐसे ही जैसे पहले बनाए थे वैसे ही बनाना है हमें ऐसे, दो तीन चार एक पाँच, फाइव टाइम ऐसे करके बांध लेंगे। फिर यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे हम, फिर इसमें बनाएंगे, फिर फाइव इधर बना के जैसे इधर बनाए ऐसे बना के फिर यहाँ, फिर सेम ऐसे ही अब चारों तरफ से हम राउंड में पूरा पूरा हम ऐसा बना ले रहे हैं। अब देखिए ये पूरा चारों तरफ से हम बना लिए हैं, उसके बाद से फिर अब हम डिजाइन और बनाएंगे इसमें। इसे गांठ लगा लेते हैं, इसे बैक साइड से हम बनाएंगे डिजाइन। यहाँ पे हम पहले बांध लेते हैं, उसके बाद से एक दो तीन चार पाँच छः सात सेवन चेन करेंगे। फिर इस साइड हम इसमें भी बांध लेंगे, दोनों साइड से बांध लेंगे। अब सीधा कर लेंगे इसे, सीधा करने के बाद सब चेन करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस, फोर्टी चेन किए हम पूरा। फोर्टी चेन करके फिर इसमें हम ऐसे बांध लेते हैं, फिर फोर्टी चेन करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इसमें फोर्टी फोर्टी चेन करके हम बना ले रहे हैं। फिर दिखा रहे हैं हम, देखिए पूरा फोर्टी फोर्टी चालीस चालीस हम पूरा सिक्स टाइम ऐसा बना लिए हैं। अब यहाँ जॉइंट कर लिए, अब कट कर दे रहेंगे हम, फिर उसके बाद और इधर वाला भी बनाएंगे। इसमें सिक्स हम पूरा बनाए हैं, देखिए ऐसे ही अब पूरे पर हम बना ले रहे हैं ये सब, उसके बाद आगे दिखाते हैं। देखिए हम सब में बना लिए हैं ये छः छः पूरा चालीस चालीस चेन कर करके, सिक्स बनाए हैं एक में फोर्टी फोर्टी चेन करके। ये होल बनाने के लिए हम सेवन चेन करके इधर से इधर ज्वाइंट किए हैं, उसके बाद ये बनाए हैं हम पूरे पे बना लिए हैं। अब इसके बाद से हम इस पे डिजाइन बनाते हैं, तो डिजाइन बनाने के लिए हम कहीं से भी स्टार्ट करते हैं।
पराठे लगा लेंगे ओवन पे। ये जो हम इस पे पफ बनाए हैं इसमें इधर साइड वाला पे ऐसे जॉइंट करेंगे पहले, उसके बाद एक दो दो चेन करेंगे, एक फंदे लेंगे यहाँ, एक दो डबल क्रोशिया करेंगे हम, दो हुआ, उसके बाद से हम तीन चार फोर यहाँ बनाएंगे, और उसके बाद से इसके बगल वाले में फिर ऐसे फंदे लेंगे। अब इसके बगल वाले में यहाँ पे एक एंड दो, दो डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे, टू डबल क्रोशिया बना के उसके बाद से हम एक दो दो चेन कर लेंगे। दो चेन करने के बाद से फिर यहाँ पर हम बनाएंगे, यहाँ भी टू डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे एक दो, ओके टू डबल क्रोशिया बना के उसके बाद फिर फंदे लेंगे। और फिर इस साइड हम जैसे इधर फोर बनाए हैं यहाँ पर भी फोर बना लेते हैं, फोर डबल क्रोशिया ऐसे बना लेंगे हम, तीन एक चार ऐसे। अब उसके बाद से अब हम ये चेन है, चेन में अब हमें बनाना है तो चेन ऐसे सीधा करके ले लेंगे, पूरा फंदे लेंगे। अब इसमें हम बनाते हैं एक दो तीन चार, इसे फोर बना लेंगे पहले, उसके बाद से एक दो दो चेन कर लेंगे, फिर फोर बनाएंगे इसमें हम, एक दो तीन चार ऐसे। उसके बाद फिर फंदे लेंगे हम ऐसे, फिर इसके बगल वाला चेन उठाएंगे ये हम, इसे सीधा कर लेंगे ऐसे, फिर से ऐसे। इसमें भी पहले फोर बना लेंगे, एक चार ऐसे फोर बना के उसके बाद फिर एक दो दो चेन करेंगे, फिर फोर बनाएंगे ऐसे ही हम सिक्स पे पूरा बना लेते हैं। सिक्स चेन है, सिक्स चेन पे पूरा पूरा बना ले रहे हैं ऐसे। देखिए हम पूरा ये छः पे पूरा बना चुके हैं ये। अब उसके बाद से फिर हम फंदे लेंगे। अब इसमें फिर हमें बनाना है, इस पे पहले हम फोर बना लेते हैं, दो तीन एंड चार, फोर डबल क्रोशिया बनाने के बाद से फिर इसके बगल वाले में टू बनाएंगे हम, फिर एक दो चेन करेंगे, फिर इसमें टू बना लेंगे हम, दो, उसके बाद फिर इसमें फोर बना लेंगे हम, चार। अब उसके बाद से फिर से ये चेन हम पकड़ेंगे सीधा, इसे सीधा अच्छे से पकड़ लेंगे, और उसके बाद फिर इसमें हम फोर बना के फिर दो चेन करेंगे, फिर फोर बनाएंगे ऐसे ही। अब बनाते जाएंगे हम, पूरा सब पे बना ले रहे हैं राउंड में पूरा पूरा हम ऐसा। देखिए हमने चारों तरफ से बना लिया है ये, मेरा थालपो सब बन के तैयार है। आपको और बड़ा ये बनाना हो तो ये हम जो बनाए हैं इसे और बड़ा कर लीजिएगा। उसके बाद हम फाइव का ये बनाए हैं, आप सेवन का बनाइएगा या सिक्स का बनाइएगा, थोड़ा और बड़ा हो जाता ऐसे। ये थालपोस कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा कि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।